तो हे व्हाट्सअप, तो मैंने तुम लोगों को कमेंट पोस्ट में पूछा था कि क्या मैं नई सर्वाइवल सीरीज को स्टार्ट करूं, तो 75% बंदों ने हाँ बोला था और 25% बंदों ने ना बोला था। तो अगर तुम 75+25 करते हो जाता है पूरे के पूरे 100%, यानी कि 100% लोगों ने हाँ बोला था। देखो गाइस, मेरा मैथ बहुत अच्छा है, मुझे मैथ में पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिलते हैं। तो चलो यार, अपने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वर्ड जनरेट हो चुका है और मैं स्पॉन हो चुका हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी लकड़ियों को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो इन वुड से मैं थोड़े से प्लैंक्स बना लेता हूँ और उससे क्राफ्टिंग टेबल और कुछ स्टिक्स बना लेंगे। और उसके बाद हम बनाएंगे एक एक्स और एक पिकैक्स। तो यार यहाँ पर थोड़े से पिक्स है, तो इनसे खाने का इंतजाम हो जाएगा। यार कौन मार रहा है? शीट यार, ये ज़ॉम्बी यहाँ पर कैसे स्पॉन हो गया? चलो इसको मारते हैं। चलो मर जा जल्दी। गाइस मेरे पीवीपी में मत जाना, बहुत गंदी पीवीपी करता हूँ। अरे मर भी जा, अरे मर जल्दी। अरे कुछ भी ड्रॉप नहीं किया, और तू किधर भाग रहा है? रुक जा। और भाई लगता है ये ज़ॉम्बीज मुझसे मार खाने आ रहे हैं। आ जाओ, डरता थोड़ी ना हूँ तुमसे। नहीं शिट शिट शिट, अरे यार ये कहाँ से आ गए? जल्दी जल्दी यार ऊपर जाना होगा। चलो चलो जल्दी, शिट शिट, बच गया। तो यार यहाँ पर दो शिप्स है, तो इनसे उल का इंतजाम तो हो जाएगा। और गाइज ये देखो सुअर का बच्चा, यार इसको नहीं मारते बेचारे को। बट यार यहाँ पर चिकन से, तो इनको तो मारना पड़ेगा ही। लिटरली यार ये चिकन एक बार में ही मर जाती है। और यहाँ पर थोड़ा सा शुगर कैन है, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ, बाद में काम आएगा। एक हाई शिप मिल गई, चलो इसको मारते हैं और इससे हम बेड बना सकते हैं। तो चल मर जल्दी। तो चलो अब मैं बेड बना सकता हूँ। तो ये बन गया मेरा बेड। तो चलो अभी सीधा नीचे चलते हैं स्टोन को कलेक्ट करने, क्योंकि हमें इससे स्टोन के टूल्स भी तो बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से कॉबल स्टोन कलेक्ट कर लिए, तो इससे मैं एक स्टोन की पिकैक्स और एक स्टोन की एक्स बना लेता हूँ। और इससे अभी फटाफट से माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फर्नेस बना लेता हूँ और इसको यहाँ पर रख के इसमें मेरा खाना पकाने के लिए रख देता हूँ। और चलो अभी फिर से माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं। अरे ये अचानक से रात कैसे हो गई? अरे मेरा खाना पक गया, चलो इसमें और खाना डाल देते हैं। चिकन निकालना तो रह गया। ओके अब ठीक है, चलो अभी माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बहुत सारे स्टोन कलेक्ट कर लिए, तो इससे बाकी के टूल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा खाना पक चुका है, तो चलो अभी इस फर्नेस को तोड़ के चलते सीधा ऊपर। तो यहाँ पर मैं ब्लॉक्स लगाकर ऊपर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ चुका हूँ और अब हम फिर से इन एनिमल्स को परेशान करेंगे। तो यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो गाइस अब मैं तुमको मेरी पार्कर स्किल दिखाता हूँ। तो यार पार्कर छोड़ो, मैं तुमको एमएलजी दिखाता हूँ। तो ये देखो, लोग वाटर बकेट एमएलजी करते हैं, मैं वाटर पूल एमएलजी करता हूँ। यार कोई अच्छे से केव मिल जानी चाहिए, मजा आ जाएगा। और भाई लिटरली मुझे यहाँ पर केव मिल गई, और यहाँ पर आयरन भी है, तो चलो इसको लेते हैं। तो ये एक दो तीन चार एंड पांच, भाई लिटरली पांच आयरन मिल गए। और यहाँ पर भी आयरन है, चलो इसको भी लेते। ये एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, यार लिटरली मुझे 11 आयरन मिल गए। यस गाइस मजा आ गया। और यार यहाँ पर भी एक केव है, बट ये केव मुझे थोड़ी सी डेंजरस लग रही है, तो इस केव को मैं बाद में एक्सप्लोर करूँगा। तो यार अभी रात होने वाली है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा रूम बना लेता हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर रह सकूँ। तो अभी मैं यहाँ पर बेड लगा देता हूँ और सो जाता हूँ। तो ये है अपनी सर्वाइवल सीरीज की पहली सुहानी सुबह। और यार अभी मुझे इस रूम को थोड़ा बढ़ाना होगा। और यार ये ब्लॉक्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है इस कमरे में किसी ने पान थूका है।
क्या मतलब कि मैं पान खाता हूँ? देखो गाइज मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। हाँ तो अभी अच्छा दिख रहा है, तो चलो मैं यहाँ पर फर्नेस रख देता हूँ और उसमें मेरा आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। अरे शीट, लकड़ियाँ भी खत्म हो गई, चलो अभी फिर से पेड़ काटने पड़ेंगे। तो अब मैं इस प्लैंक्स को इस फर्नेस के अंदर डाल देता हूँ और अब मैं इस बेड को यहाँ पर रख देता हूँ। अरे शीट, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं शीट, अरे नहीं मैं मर जाऊंगा। ओ बच गया, पता नहीं भाई ये क्या हो रहा था यार, मैं लिटरली बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तो चलो अब मैं यहाँ पर एक डोर लगा देता हूँ जिससे कि मैं अंदर बाहर आ सकूँ। वैसे तो बिना डोर के भी मैं अंदर बाहर आ सकता हूँ, बट ज़ॉम्बीज़ इसके अंदर नहीं आ सकते। तो अब शायद से मेरे आयरन स्मेल्ट हो चुके होंगे। ओके तो 9 आयरन स्मेल्ट हो चुके, तो इससे मैं एक आयरन की पिकैक्स बना लेता हूँ। और यार मुझे आयरन का चेस्ट प्लेट भी बनाना था, बट उसके लिए इनफ आयरन नहीं है। ओके तो अभी 2 आयरन पक चुके और अब शायद से मैं चेस्ट प्लेट बना सकता हूँ। ओके तो अब मैं चेस्ट प्लेट बना सकता हूँ, तो ये मैंने चेस्ट प्लेट बना लिया, अब मैं इसको पहन लेता हूँ। और यार जब तक ये आयरन स्मेल्ट हो रहे तब तक मैं इन ब्लॉक्स को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके तो अभी 4 आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं, तो इससे मैं शायद से बूट्स बना सकता हूँ। ओके तो मैंने बूट्स बना लिए, अभी मैं इसको पहन लेता हूँ। और यार इस रूम में तो अभी अंधेरा हो गया, तो चलो अभी बाहर चलते हैं। तो यार आज की वीडियो में हमें बहुत सारा आयरन मिल गया। और भाई ये ज़ॉम्बी विलेजर कहाँ से आ रहा है यार? शिट, भागना होगा जल्दी से। और मैंने थर्ड पर्सन भी करके रखा है। ओके तो आ जा, अभी तुझे मारता हूँ, रुक तू मर जा जल्दी। भाई मुझे घर में रहना होगा, मैं शायद से वही सेफ रहूंगा। और भाई घर में भी कैसे घुस गया यार ये? तो यार मैंने इस केव को जितना सोचा था वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकले यार। मैं एक काम करता हूँ, इस केव को ब्लॉक कर देता हूँ जिससे कि कोई मॉब बाहर ना आ सके। ओके तो अब बस होने वाला है, तो अभी मैंने इस केव को जो है ब्लॉक कर दिया है जिससे कि कोई मॉब अभी बाहर नहीं आ सकेगा। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। और हमने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के पहले एपिसोड में ही बहुत कुछ कर लिया शायद। तो मैं मिलता हूँ तुमको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।